हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास दिस इज़ आर डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड वी आर कवरिंग द न्यूज़ फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस तो मेंस के परस्पेक्टिव से जो इशू बेस्ड टॉपिक्स हैं या कुछ आर्टिकल्स एडिटोरियल्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आई थिंक वी आर लाइव प्लीज़ लेट मी नो देट वी आर लाइव ही हाँ बफर आपका कर रहा आज, है आज नेट इशू है ओके राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे यू ऑल नो अबाउट पर्टिकुलर टेरर एक्ट ए ना बी है सविलियन उसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन भी है और uh, जो मोबाइल फ़ोन के हैं वो तो पूरी तरह से बंद है ब्रॉडबैंड में भी काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं इस वजह से आज हमारी मॉर्निंग वाली क्लास भी नहीं हो पाई थी ना एवरीथिंग वाज फाइन बट एकदम से जैसे ही हमने स्ट्रीम किया वी गॉट डिस्कनेक्टेड और जो आपकी मॉर्निंग वाली क्लास है इकोनॉमी वाली वो अभी दस बजे रहेगी तो ये एक और अपडेट मैं आपको कर देता हूँ अभी शाम को दस बजे आपकी ये क्लास है जिसके अंदर हम रमेश सिंह सर वाली इकोनॉमी बुक कर रहे हैं आ, तो उसका लेक्चर नंबर फोर्टीन है वो अभी रात को दस बजे आपका रहेगा मेक श्योर sure कि आप उसे ज्वाइन करें सो दिस इज़ द थिंग स्टार्ट uh, यहाँ पे करेंगे लिंक विल भी देयर ऑन द टेलीग्राम ऑफ द क्लास और uh, आपकी सवा नौ बजे स्पेशल क्लास क्रैक प्रॉब्लम एम सी क्यू वाली है ही चलिए अनकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं एंड रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन ऑफर ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है तो इसका आप फ़ायदा उठाइए यूज द कॉर्ड आर बी लाइट टू गेट मैक्सिम अवेलेबल डिस्काउंट मेन्सेंटरशिप प्रोग्राम मीनस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जा सकते हो पी डी एफ टैशन के लिंक टाइमिंग के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़े रह सकते हैं अरे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब uh, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट तो है ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आ, और uh, कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना मतलब पढ़ना पड़ रहा है टॉपिक में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है कुछ टॉपिक होता है जिसके लिए इंक्लीनेशन रहता है है ना कुछ बच्चों को जोग्राफी अच्छा लगता है क्योंकि जोग्राफी है ना क्योंकि घूमना फिरना उनको ट्रैवल पसंद है मैप देखना पसंद है तो उनको जोग्राफी अच्छा लगता है जैसे जब आ, आ, मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे भी जोग्राफी काफ़ी पसंद था फाइन इकनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था तो आर्ट एंड कल्चर है ये ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी आते ही फिर कि कब ये ख़त्म होगा टॉपिक दिस इज़ लाइक तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो जी सेवन की पूरी आ, रही ये इंडिया ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था ऑब्जर्वर के रूप में और आप यहाँ पे देखेंगे कि काफी सारी जो आ, ये गिफ्ट दिए हैं ना प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया हर जितने भी जो लीडर्स थे आ, उनको उनके मतलब एक पर्टिकुलर हिसाब से गिफ्ट दिया गया तो यहाँ पे जो इंडिया की हेरिटेज है उसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है है ना जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने ये गुलाबी मीनाकारी है इसका जो ब्रॉच है या कफलिंग है वो यूएस प्रेसिडेंट को दिया तो गुलाबी मीनाकारी आप ध्यान रखिए अच्छा हाँ ये जी आई है या नहीं है ये क्वेश्चन बनता है जी आई टैक जी आई क्या होते हैं कैसे काम करते हैं सिमिलरली इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये लेकर वेयर जो है ये दिया और ये लाख से बनी हुई ये चीज़ें होती हैं तो ये राम दरबार का उनको दिया गया है क्योंकि इंडिया का और इंडोनेशिया का आप देखेंगे सिविलाइजेशनल या हिस्टोरिकल लिंक है तो ये यहाँ पे आपका मिलता है क्लियर तो उस परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं क्या है ये भी जीआई टैग है ना कहाँ पे मिल रहा है इंडिया के अंदर तो ये कुछ जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे दिए हैं सभी वर्ल्ड लीडर्स को उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए हैं इनको हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड लेकर वेयर राम दरबार टू इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्यों दिया गया टू सेलिब्रेट इंडियाज लिंक विथ इंडोनेशिया एज फार एज रामायण इज कंसर्न तो पीएम मोदी ने ये गिफ्ट किया है ये जीआई आई टैगड है आपका लेकर वेयर मतलब लाख से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं चीजें होती हैं क्लियर उसके कॉन्टेक्स में यूज किया जा रहा है तो ये राम दरबार यहाँ पे दिया गया है और इसको और आप देखोगे लेकोवेयर आर डेकोरेटेड, डेकोरेटिवली कवर्ड विद द लेकवर, आ, ये आपकी लक्षा या लाख जो होता है जो आ, इंसेक्ट है लाख का है ना उससे निकल रहा है या फिर शेलक भी यूज किए जा रहे हैं तो एंशियट टाइम से है और इनको पॉलिश के लिए आप बेहतर पॉलिश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है अल्कर इज अ टाइप ऑफ हार्ड एंड पोटेंशियली शाइनी कोटिंग और फिनिश अप्लाइड ऑन मटेरियल सच एज वुड एंड द मेटल दे आर मेड यूजिंग द रेजिन एक्सट्रैक्ट रेजिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए ट्री एंड वैक्स ड्यूरिंग द एंशंट टाइम है ना और इसके लिए इंसेक्ट का भी कई जगह पे यूज किया जाता है द टर्म ऑरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड लाक्षा नाम सुना होगा अपने महाभारत में लाक्षा ग्रह लाख से बना हुआ पूरा जो था अथर्व वेद जो है अथर्ववेद है इसके अंदर इसका मेंशन है और एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है लाक्षा के ऊपर और इसके यूज के ऊपर पूरा चैप्टर है वेद के अंदर और आज के टाइम भी ये काफ़ी पॉपुलर है तो इसी से आप देखोगे काफी वैरायटी ऑफ अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है ये आपका है लेकर वेयर जो है तो इसके अंदर जरूरी नहीं है आप यही यूज़ कर रहे हो कई जगह पे हम देखते हैं कि वो जो मेटल डस्ट है वो भी यूज की जाती है फॉर एग्जाम्पल डस्टेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर ताकि ये जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सके तो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो आर्ट है लाख वाली जो आर्ट है आ, इसकी रूट्स आपको मिलती हैं वाराणसी यूपी के अंदर यूपी के अंदर मिलती हैं जी आई टैग द है जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसको सर्टिफाइड ये रहेगा जी आई टैग प्रोडक्ट है और ये जी आई टैक प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी देखेंगे क्योंकि आप देखोगे ये गुलाबी मीनाकारी का जो ब्रॉच दिया है यू के प्रेसिडेंट को ये भी आपका जी आई है तो जी आई टैक का देख लेंगे इसके अलावा और कुछ चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है इंडोनेशिया का जो वर्जन है रामायण का इसको ध्यान रखिएगा और आप देखेंगे इंडोनेशिया में अगर जाते हैं तो वहाँ पे स्टैचूज है ना वो अपनी जो हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे अलग अलग रामायण से रिलेटेड रामायण के जो करेक्टर उनसे रिलेटेड आपको स्टैचूज़ मिलेंगे है ना इस तरीके से आज भी रामायण वहां पे प्ले की जाती है इंडोनेशिया का जो वर्जन है रामायण का नॉन मेडांग किंगडम इन एट्थ टू इलेवेंथ सेंचुरी इन सेंट्रल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना अब ये फैक्ट हो गया आर्ट एंड कल्चर में फैक्ट बेस तो इसको याद रखिए चर्चा में रहेगा क्योंकि आपने देखा होगा 2022 का जो प्रॉब्लम्स का पेपर था उसमें इसी तरह से करंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे आपको याद होगा हमने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम से पहले लगभग दो तीन बार हमने किया होगा स्टेचू ऑफ इक्वालिटी हमने डिस्कस किया था और वहां पे हमने रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत है उसे डिस्कस किया था क्योंकि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को वो किया जा रहा है इसलिए रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत न्यूज में था इसी तरह से शंकराचार्य जी का केदारनाथ में स्टेचू का किया था तो वो भी हमने पढ़ा था क्लियर और आपने देखा वहां से क्वेश्चन था जी पे 2022 में क्वेश्चन था तो इस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है अब इसको ध्यान रखिए यहाँ पे काफी सारा कंटेंट भी मिल रहा है और इंटरेस्टिंग भी इंडोनेशियन वर्जन है जिन बच्चों को ये नहीं दिख रही है अपना जो पिक्सल है रिजोल्यूशन है स्क्रीन का उसको तीन या चार पे कर लेना ठीक है रिजोल्यूशन को आप थ्री या इस पर कर लीजिए तो ये विजिबल आपको हो जाएगा सो दिस इज द आइडिया और हमारे लिए क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पित्रा दुअरा ये जो वर्क है इसको भी यहाँ पे दिया गया है मार्बन ओरिजन इन फॉर्म ऑफ पित्रा दुरा पॉपुलराइज इन द एंड मेडाइवल रोम इसे आपका नाम दिया गया है यू हैव मेंशन ओपस सेक्टाइल ओपस सेक्टाइल ये एक तरह का पित्रा दुअरा फॉर्म है जहा पे आप देखोगे पित्रा दुरा का जो है जिक्र होता है मिडाइवल इंडिया के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं मुगल पीरियड मुगल आर्किटेक्चर की जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉल हैं स्टोन जो वॉल्स हैं वॉल्स के अंदर आप जो प्रीशियस स्टोन है उसका वर्क वहाँ पे कर रहे हो क्लियर वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए हम आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वहाँ पे पित्रा द्वारा ये जो फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है तो इसी तरह का इसका जो रोमन वर्ड रोमन जो उस टाइम पे था एंशंट रोम मिडाइवल रोम वहाँ पर ये ओपस सेक्टाइल यूज़ किया जाता था कट इन लेड इन टू द वॉल्स एंड द फ्लोर्स टू मेक द पिक्चर और अ पैटर्न क्लियर इसके अलावा और हमें क्या याद रखना है ये तो हमने देख लिया लाख वर्क हमने देख लिया जिसमें राम दरबार इन्होंने दिया है और सिविलाइजेशनल uh, लिंक है इसलिए यहाँ पे दिया गया है लाख का क्या है किस तरह से इसका मेंशन है ये चीज़ें ध्यान रखिए uh, इसकी भी हम चर्चा करेंगे इससे पहले एक और जीआई इंडिकेशन की हम चर्चा कर लेते हैं गुलाबी मीनाकारी ये भी जीआई आई टेक्ड आर्ट फॉर्म है वाराणसी की ही है गुलाबी मीनागार भी वाराणसी का जीआई है और यहाँ पे आप देखोगे लाख लाखवर्क ये भी वाराणसी का है जीआई टैग इसको मिला हुआ है जीआई टैग कैसे मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये किसी भी प्रोडक्ट को मिल सकता है जो जिसकी खास बात क्या है हो सकता है खाने की चीज हो हो सकता है पहनने की चीज हो सकता है आर्टिफैक्ट हो जैसे इस केस में है क्लियर तो ये उनको मिलता है जिसकी आ, आ, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीज़न उस जगह की वजह से उस प्रोडक्ट की जो खास बात है वो उस जगह की वजह से है उस ज्योग्राफी की वजह से उसमें वो खास बात है जैसे आप देखोगे दार्जिलिंग की टी है इंडिया का पहला जो जी आई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग की टी को दिया गया है ना तो आ, कांगड़ा की भी टी है पाइन इस कांगड़ा की टी का चर्चा हुआ था कोरोना के टाइम पे है ना इसने आ, मतलब एंटीवायरल प्रॉपर्टीज को दर्शाया था इसलिए इसका चर्चा हुई थी गिर का ये हो गया मालाबार की काली मिर्च नागपुर के संतरे इस तरह से हैं आपके नासिक के अंगूर और ये जो जी आई है ये डब्ल्यू टी ओ के अंदर में आपके आते हैं फाइन ट्रिप्स रिलेटेड जो आपका है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है एग्रीमेंट इसके अंदर इसको मैंशन किया गया है तो जी आई सर्टिफिकेशन कुछ प्रोडक्ट को दिया जाता है जैसे दार्जिलिंग टी जो है ये फर्स्ट है इंडिया का तो इंडिया ने डब्ल्यू के कंप्लाइंस मतलब डब्ल्यू के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए एक कानून बनाया गया हमारे यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया 1999 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 तो उसके अंदर में कोई जो प्रोडक्ट है जिसकी खास बात आप देखोगे कि जोग्राफी की वजह से है जैसे दार्जिलिंग टी है तो उसको इस तरह का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है भारत सरकार की तरफ से जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एज फार एज जोग्राफिकल इंडिकेशन आर कंसर्न दे शुड बी मोर देन फाइव समथिंग है ना उनसे ज़्यादा होनी चाहिए तो इतने सारे हैं सारे तो याद नहीं कर सकते बट स्टिल यू शुड रिमेंबर सम बेसिक आइडिया तो दार्जिलिंग टी को पहला जी आई टैग दिया गया तो इसी तरह से ये जो जी आई टैग की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे क्या है गुलाबी मीनाकारी जो बाइडन को दिया है है ना आ, जिसके आपके गुलाबी मीनाकारी के ब्राउच और कफलिंग्स हैं क्लियर आ, ये हो गया जी आई टैग और ये जो लाख वर्क है लाख वेयर जो हैं ये आपका हो गया इसके अलावा ब्लैक पोट्री दी गई है निजामाबाद की जो ब्लैक पोट्री है ये जैपनीज पीएम को दिया गया है तो ब्लैक पोट्री निजामाबाद की है इस पर जी टैग नहीं लिखा हुआ है बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना हो सकता है जी टैग हो ब्लैक पोट्री ऑफ निजामाबाद इसको गूगल पे एक बार सर्च करिएगा नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट है ना डोकरा आर्ट ये जो है ये दिया गया अब ये डोकरा आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जिक्र गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था एक प्रेस ब्रीफ के अंदर जहाँ पे भारत सरकार का जो प्रेस ब्रीफ था उसमें वो ट्राइबल आर्ट फॉर्म को पॉपुलराइज करना चाह रहे हैं

जो भी ट्राइबल बेल्ट है ना स्पेशली छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन हो गया एम का ट्राइबल बेल्ट है यू हैव झारखंड सम ऑफ द रीजन तो जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे ये डोमिनेट है और इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं मेटल आर्ट फॉर्म है नॉन फेरस मेटल है इसका जिक्र आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो आपको दिख रही है क्या बता सकते हैं स्कल्पचर आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मोहन जोदाड़ो की जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है है ना यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये मोहन जोदाड़ो की ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है और ये जो बनाई गई है ये किससे बनाई गई है लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है इसको ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है लोस्ट वैक्स टेक्निक में आप क्या करते हैं जो भी वैक्स है वगैरह उसका एक मॉल्ड बनाते हैं खांचा टाइप फिर जो मेटल होता है उसको मेल्ट करके उसमें डाला जाता है और फिर उस वैक्स को वहां से हटा दिया जाता है तो इस तरह से आपका जो भी सांचा होगा है ना एप्पल बनानी है तो एप्पल हो गया इस तरह से ये बनाना है तो ये हो गया कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लोस्ट टेक्निक इंडिया के हर पार्ट के अंदर रहा है और हजारों साल से इसका यूज देखा जा रहा है तो ये जो है मोहन जोदाड़ो वाली डांसिंग गर्ल ये तो वैसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं मोर देन थ्री थाउजेंड ईयर ओल्ड है, 3, है। आ, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहन जोदाड़ो ये एग्जांपल हमने लिया तो इसी तरह से ये जो डोकरा है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे हॉर्स हैं एलिफेंट हैं है ना पिकॉक हैं अलग अलग रिलीजियस इमेजेस हैं ये बनाई जाती है और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी ये प्रैक्टिस के अंदर है क्लियर इंडिया के केस में आप देखोगे तो रीजन मैंने बता दिया यू हैव दिस ट्राइबल बेल्ट स्पेशली छत्तीसगढ़ रीजन और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं uh, यहाँ पे हम uh, चर्चा करें तो जीआई इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है ना और इस न्यूज़ से आप क्या निकाल सकते हैं ये जो पेपर में आपका आर्टिकल है है ना इसमें कंटेंट कम है अगर इसी को आप वेबसाइट पे देखेंगे न्यूज को दर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दर आर सो मेनी पिक्चर्स यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस आर्टिकल इट इज़ वर्थ है ना वो आपका आपको फायदा ही पहुँचाएगा एक बार और आप देख लीजिएगा ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एक जर्दोजी वर्क है आ, ये ये भी है सो वी हैव दिस सम पॉइंट्स है टेंट यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है लेकिन आपको तो जिस तरह से पढ़ाई करनी है वो करनी है पेपर थ्री से अगर आप लिंक करोगे प्रिपेयरिंग फॉर फाइव जी ये एक आर्टिकल है और ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं है ना फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है मतलब टॉप ब्यूरोक्रैट जो एक पोजिशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेक्रेटरी लेवल से पे रही हैं ये और ये यहाँ पे चर्चा कर रही हैं डिजिटल इकोनॉमी की है ना तो इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर पे पूरा कंसंट्रेट किया है कुछ दो तीन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट हमें नहीं लेने हैं क्या ये कह रही हैं ये कह रही हैं कि इंडिया जो है अपना जो जिस तरह से हम मूव कर रहे हैं है ना जितने हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं आप देखोगे आज इंडिया के अंदर इंटरनेट यूज़र्स हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं एट्टी करोड़ अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है पता नहीं दस जगह आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो और याद करने में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा होगी है ना वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इनोवेशन uh, की बात होती है टेक्नोलॉजी की बात होती है ठीक है ना लोगों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने की बात होती है इनोवेशन के डिफ्यूजन की चर्चा होती है हर जगह पर आप इसको कर सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन हेल्थ केयर इनिशिएटिव एट्टी करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं और एक करोड़ टेलीकॉम यूजर्स हैं इंडिया की पॉपुलेशन है इट शुड बी अराउंड वन एट करोड़ समथिंग तो इतने सारे यहां पे इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं इसलिए इंडिया जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है डिजिटल कंज्यूमर्स के लिए किसके लिए डिजिटल कंज्यूमर्स के लिए हम देख रहे हैं कि डिजिटल इकनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकनॉमी है अभी रिसेंटली आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा होगा कि आने वाले कुछ सालों में दो हजार तक हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका साइज कितना हो जाएगा वन ट्रिलियन डॉलर साइज ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी विल बी वन ट्रिलियन डॉलर इन द अपकमिंग कपल ऑफ इस दिस इज अग थिंग वाई बिकॉज इंडिया की टोटल जी डी पी एट प्रेजेंट क्या है अभी के समय लगभग थ्री ट्रिलियन डॉलर है और उसमें से आप देखोगे वन ट्रिलियन डॉलर अगर जाता है इंडिया की जी डी पी अगर फाइव ट्रिलियन तक भी पहुंच जाती है बहुत एम्बिशियस है बट स्टिल अज्यूम करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो भी डिजिटल इकोनॉमी का इतना बड़ा साइज ही मायने रखता है इसलिए ये कह रहे हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है इंडिया की जो ग्रोथ हिस्टोरी है फाइन उसके लिए हमें तैयार होना होगा और उसके लिए हमें यहाँ पे जो डिजि इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन है उसको करना होगा तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे दो एक तो चैलेंज है एक तो लिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना दूसरा इंक्लूसिविटी का इशू है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पीछे हर, रह जाएंगे अगर किसी के पास इंटरनेट आ, फास्ट इंटरनेट नहीं है क्योंकि फाइव जब आ जाएगा वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी आपने देखा होगा फोर आने के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं पाइन पहले वो टू जी वाला होता था जिसके अंदर केवल ब्राउजिंग का ही रहता था फिर थ्री जी से थोड़ा हुआ फोर जी ने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया और फिर जियो वगैरह इन सब का भी अपना रोल है सो वट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट करना ही है ये तो चैलेंज है ही दूसरा चैलेंज ये है कि हमें uh, जो है यहाँ पे पॉपुलेशन का ऐसा हिस्सा जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वो नहीं पीछे छूट जाए क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आने वाले टाइम में नहीं होगी इसका मतलब आप मेन स्ट्रीम से कट गए हो क्लियर ये बहुत एक जरूरी है क्योंकि हर चीज़ आपकी डिजिटल अवेलेबल हो रही है वेदर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन ये क्लास एग्जाम्पल के रूप में लीजिए कोविड में आपने फील किया होगा चाहे एजुकेशन है हेल्थ केयर है बैंकिंग है फिनेंस है अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं कंसल्टेंसी है तो इन चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूसिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दो हमारे पास चैलेंज है तो ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिविटी का जो हमारे पास चैलेंज है है ना इंक्लूसिव बनाना मतलब सब जगह नेट को पहुँचाना तो उसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही पड़ेगा तो अल्टीमेटली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं विल टेक केयर ऑफ़ द इशू ऑफ द इंक्लूसिवनेस इंक्लूजिवनेसो गाँव गाँव तक अगर ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट पहुँच जाएगा तो कहाँ दिक्कत है तो यही ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसके और ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है ढाई लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने की इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और फाइव आपका आने वाला है ऑलरेडी फोन आना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि फाइव जी अनेबल है लेकिन फाइव जी जब आएगा तो ये कह रहे हैं एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है फाइव जी की क्या डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क आई होप आपको पता होगा जो फोर जी हमने यहाँ पे चला रखा है अभी फोर जी चल रहा है सारा तो इसके लिए जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है नेटवर्क है सिस्टम्स हैं सबसे ज़्यादा हम चाइना पे डिपेंडेंट रहे हैं है ना ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियाँ यहाँ पर रही है लेकिन फाइव में इंडिया ने क्या कहा चाइनीज़ कंपनियों को, को मना कर दिया फाइव में इंडिया ने चाइनीज़ कंपनीज़ को मना कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजन गलवान वैली क्लैश हो चुका था उसके बाद चाइना से जिस तरह के इशूज़ थे सिक्योरिटी कंसर्न थे है ना डिपेंडेंस रिलेटेड इशूज़ थे क्रिटिकल एरिया है हम डिपेंड नहीं रह सकते चाइना जैसी कंट्री पे तो 5G में उनकी एंट्री को बैन किया और अब ये कह रहे हैं कि फाइव के लिए हमें डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत है और ऑप्टिकल फाइबर जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती हैं जिससे नेट पहुंच रहा है अब हर जगह नेट पहुंचाना है बहुत सारी केबल चाहिएगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो सफिशियटली वर्क कर रही है पिछले कुछ सालों से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है काफी सारा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चैलेंज है खतरा है किससे चाइना जैसे देश से या फिर हम बात करें इंडोनेशिया है साउथ कोरिया है इस तरह के कुछ कंट्रीज हैं जहां से हमें क्या मिल रहा है अनफेयर कॉम्पिटिशन मिल रहा है कॉम्पिटिशन इज फाइन लेकिन कह रहे हैं अनफेयर कॉम्पिटिशन मिल रहा है वाई बिकॉज दीज कंट्रीज आर डंपिंग देयर प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट ये क्या कर रहे हैं डंप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आई होप डंपिंग आप सभी को पता होगा कई बार हमने डिस्कस किया है डंपिंग का क्या मतलब होता है डंप Dump. डंपिंग का मतलब है अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए चाइना में कोई चीज है उसकी मार्केट वैल्यू सौ रुपए है इंडिया में वो उसको उस अस्सी रुपए में बेच रहा है मतलब जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है है ना फेयर मार्केट वैल्यू है या जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है उसके मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उस पर कम प्राइस पर इंडिया में बेचा जा रहा है मतलब उस प्रोडक्ट को डंप आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्या इंडिया की आप भलाई चाहते हो कि उनको सस्ता प्रोडक्ट भेज दिया जाए है ना हम घाटा खा लेते हैं इंडिया की भलाई करते हैं चाइना वुड बी लाइक चलो हम आपकी भलाई कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है फाइन इट वुड बी लाइक कि ओके okay. uh, यहाँ पे चाइना क्या चाहेगा चाइना चाहेगा कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाए इतनी कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करा सकते तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट ओके वैनिशिंग फ्रॉम द मार्केट और जब वो वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा फिर जब ये प्रोडक्ट अस्सी रुपये का है इसको एक सौ अस्सी रुपये में भी करोगे आपको रोकने वाला कोई नहीं तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको खतरा है यहाँ पे आप प्रोटेक्शन करें तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही हैं और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया को तैयार होना है तो इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हमें अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा जहाँ पे इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम सपोर्ट कर सकें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेवलप करने पर भी हमें वर्क करना होगा इन क्रिटिकल एस्पेक्ट टू डिजिटल कनेक्टिविटी

रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है इसको पंद्रह परसेंट से तीस परसेंट कर दिया है ना यही कंडीशन और जो जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनस हैं है ना वो ये कर रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं फोरकास्ट को और रिसेशन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिसेशन क्या होता है और उससे जुड़ी हुई दो तीन टर्म्स हम देख लेते हैं रिसेशन का अगर हम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की चर्चा करें टेक्निकल सेंस में रिसेशन का क्या मतलब है रिसेशन का मतलब है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है ये क्या हो गई है निगेटिव हो गई है जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है फॉर कॉन्जिक्यूटिव टू क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिव टू क्वार्टर मतलब छह महीना हो गया लगातार छह महीने तक अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है इट मीन आप टेक्निकली रिसेशन के अंदर हैं जैसे इंडिया कब रहा इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रहा और इसका जो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी क्लियर ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया इसके अलावा यूएस है अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ये तो हमने ग्लोबल लेवल पे चर्चा की ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं है ना इस जीडीपी ग्रोथ रेट के अलावा और चीजें देखी जाएंगी अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस कहता है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है और ये काफी लगातार कई महीनों तक रहता है तो ये रहेगा और इसके अलावा डिक्लाइन कर रही है इनकम प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं सेल्स कम हो रही है तो ये इसके साथ में जीडीपी के साथ में और ये चीजें भी यहां पे कंसीडर कर रहे हैं जिससे रिसेशन ये डिक्लेयर कर पाए ये तो हुई रिसेशन की चर्चा अब एक वर्ड आता है ग्रोथ रिसेशन और एक वर्ड है डबल डिप रिसेशन ठीक है वैसे ये जो आपका इकोनॉमी वाला लेक्चर है अभी वो दस बजे रहेगा उसमें भी हमने चर्चा की है ग्रोथ रिसेशन क्या है जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है क्या है ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये पॉजिटिव में है लेकिन इतनी कम है कि जो जॉब्स हैं वो आ, आपके लॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं ना द पीपल आर लूजिंग जॉब्स नंबर जो है उनका वो ज़्यादा है और जॉब का क्रिएशन कम है तो एक्चुअली क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है हालांकि जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव है बट अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर दैट्स वाई इट लुक्स लाइक कि रिसेशन चल रहा है मंदी चल रही है तो इसको कहते हैं ग्रोथ रिसेशन अब ग्रोथ रिसेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि हाँ जॉब तो कम है मोर जॉब्स आर बींग लॉस्ट देन बीग एडेड लेकिन आपकी इकोनॉमी है ये पॉजिटिव में है जी डी पी ग्रोथ रेट पॉजिटिव एक वर्ड यूज किया जाता है डबल डिप रिसेशन इसका सिंपल सा मतलब है जैसे रिसेशन में हमने देखा जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस तो अगर ये जी डी पी की ग्रोथ रेट जीरो है ये पॉजिटिव है ये माइनस तो एक बार जी डी पी की ग्रोथ रेट माइनस में आ गई फिर आपकी इकोनॉमी रिकवर कर जाती है लेकिन फिर वापस से नीचे आ जाती है दो बार डिप हो गया तो ये हो गया डबल डिप डबल डिप ये ट्रिपल डिप भी हो जाएगा वापस नीचे आ जाएगी ट्रिपल डिप हो जाएगा तो ये कुछ टर्म्स हैं याद रखिए है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी जैसे कोरोना में किया है कई बार हमने इसको डिस्कस किया पिछले दो साल से डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपने देखा दो वाले प्रॉब्लम्स में भी पूछा है स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी क्योंकि गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब जॉब क्रिएट होंगे फिर लोगों के पास इनकम आएगी फिर लोग खर्चा करेंगे फिर डिमांड बढ़ेगी फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब टोटल आउटपुट बढ़ रहा है टोटल आउटपुट का मार्केट वैल्यू ही तो जी है फाइन तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द स्पेंडिंग खुद भी करेगी लोगों की भी स्पेंडिंग इंक्रीज कराने का प्रयास करेगी तो टैक्स कम कर देगी टैक्स कम होने से क्या है लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगा ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर डिमांड क्रिएट होगी एक और न्यूज है हमारे पास कैंप uh, गौड़ा जी की बात कर रहे हैं uh, नाद प्रभु कैंप गौड़ा इनका एक स्टैचू बनाया जा रहा है बेंगलुरु एयरपोर्ट पे और ये लगभग बहुत बड़ा होगा 104 या 108 फीट का कुछ है इनकी तलवार आइए कहा जा रहा है चार हजार किलो के आसपास ऐसा है तो आ, 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 ग्रांड स्टैचू इज बीइंग बिल्ट ऑन द बेंगलुरु एयरपोर्ट तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं बेसिक सी चीजें अगेन कि कौन थे ये कैंप गौड़ा जो है ये सिक्सटीन सेंचुरी के चिफटेन थे है ना विजयनगर एम्पायर के अंदर और इनके पास ही जो बेंगलुरु वाला जो एरिया है आ, इसके आसपास का ये था और यहाँ पे जो बेंगलुरु है प्रेजेंट डे जो बेंगलुरु है इसके फाउंडर इनको माना जाता है क्लियर ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस एरिया के आसपास लगभग एक हजार लेक्स जो हैं ये डेवलप की जो एग्रीकल्चर के लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए थी और इस पूरी सिटी को इन्होंने प्रपोज किया है ना इरेक्टिंग टावर्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द सिटी चार टावर्स चारों कोनों पे इरेक्ट करके इस सिटी की बाउंड्री को इस तरीके से मार्क किया और ये नया सिटी का आइडिया इनके पास आया है, है ना तो ये ध्यान रखिए अब यहाँ पे पॉलिटिक्स डेफिनेटली वो भी रहेगी क्योंकि देखिए कर्नाटक के अंदर जो रूलिंग पार्टी है प्रेजेंट उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप देखेंगे सीसीडी के फाउंडर थे वो भी ये जो वोका लिंगा कम्युनिटी ऐसा कहा जाता है इससे बिलोंग कर रहे हैं कुमार स्वामी फॉर्मर सी एम है एक प्रोमिनेट कांग्रेस लीडर है तो ऐसा कहा जा रहा है कि uh, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो वोकालिंगा कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट uh, कर रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे क्योंकि लिंगायत के बाद में अगर uh, बहुत बड़ा एक देखा जाए कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से तो वोकालिंगा कम्युनिटी है uh, एक वोट बैंक परस्पेक्टिव भी यहाँ पे है सो ही वॉज फ्रॉम द डोमिनेंट एग्रीकल्चरल वोकालिंगा कम्युनिटी इन द साउथ कर्नाटका और यहाँ पे इनको ऑनर करके ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है है ना वी आर इक्वल फॉर ऑल ऑनर करने के लिए यहाँ पे इनको किया जा रहा है और काफी सारे नाम है एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे है बस स्टैंड का नाम है और कई नाम है वो देखने की जरूरत नहीं है बस ये ध्यान रखिए यहाँ कैम्पगौड़ा और चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर्स पावर इन द रिबेलियन अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर महाराष्ट्र का चल रहा है ये आप सभी को पता है ना आ, ऐसा कुछ छुपा नहीं है और पिछले कई दिनों से चल ही रहा है ये इशू और अभी रहेगा तो यहाँ पे आ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया यहाँ पे जो रिबेल सेक्शन है जिसमें एक नाथ शिंदे हैं इनका जो रिबेल सेक्शन है जो कि शिवसेना से अलग होके ये कह रहे हैं कि नहीं हम आ, इस पार्टी में ये समर्थन नहीं करते हैं और यहाँ पे हम अपने अलग 40 विधायक अलग हो गए हैं टोटल 55 विधायक थे तो इस तरह से ये यहाँ पे अलग आ गए तो इनके डिस्कवालिफ़िकेशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है फाइन और वहां से स्पीकर की पावर पे वापस क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इसमें दो जजमेंट है एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो यहाँ पे इनको टाइम दिया गया कि इनको 10 जुलाई 11 जुलाई तक आप डिस्कालीफाई नहीं कर सकते और एक काउंटर एफिडेविट के लिए कहा गया मतलब डेप्यूटी जो स्पीकर है उनको कहा गया कि क्या आप अपने खुद के रिमूवल पे भी डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम डेप्यूटी स्पीकर ऑन हिज रिमूवल एज डिमांडेड बाय द रिबेल्स क्योंकि रिबेल ग्रुप जो है उन्होंने इनके रिमूवल की बात की थी और अगर मेजोरिटी यहाँ पे आ, मतलब रिमूवल कैसे होगा अगर मेजोरिटी इनके फेवर में नहीं है तो वो रिमूव हो जाएंगे क्लियर तो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि सिंस आप अपने रिमूवल पे मतलब खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो उस कॉन्टेक्स में भी इनसे एक एफिडेविट मांगा है तो यहाँ पे वापस स्पीकर की जो पावर है इन द एंटी डिफेक्शन लो टेंथ शेड्यूल के अंदर वो वापस से चर्चा में आ गई है क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें ये आ, हो तो होलोहोन ये वाला जो केस है नाइनटी टू का जो जजमेंट है इसका नाम याद रखना हो तो होलोहोन ठीक है ना ये फर्स्ट वाला याद रख सकते हो वर्सेज में पूरा याद नहीं है तो होलोहोन वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर की पावर यहां पे रहेगी डिस्कवालीफाई अगर किसी को करना है मतलब किसी ने पार्टी चेंज कर लिया तो वाकई में उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा वैसे तो टू थर्ड अगर है तो फिर आपका डिस्कवालीफाई नहीं होगा जैसा इस केस में बनता हुआ दिख रहा है लेकिन अल्टीमेटली स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है मतलब सरकार उस पर डिसीजन ले सकती है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया फाइनल ऑर्डर के अंदर स्पीकर को कहा कि हाँ आपका डिसीजन फाइनल है लेकिन आपका जो डिसीजन है उसको कोर्ट देख सकता है अगर कुछ गलत है तो वहां पे कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और केशवानंद भारती जजमेंट जो था सेवेंटी का उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर जो है मतलब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता अगर कोई भी कानून कोई भी कुछ भी ऐसी चीज बेसिक स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करती है ठीक है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी तो फिर उसमें एक पैरा इन्होंने हटाया था और कहा था स्पीकर का जो जजमेंट है जुडिशियल रिव्यू के लिए होगा लेकिन स्पीकर को जो पावर दी गई है उसको एक्नोलेज किया था लेकिन एक और जजमेंट आता है ये है दो का जजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी नाम ध्यान रखिए नवम रेबिया रूलिंग आंध्र के अरुणाचल के केस में ये पूरा चला था हालाँकि गवर्नर रिलेटेड इश्यूज थे लेकिन इसमें स्पीकर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आया क्या डिसीजन आया 2016 का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का नबम रेबिया वाला जो डिसीजन है 2016 का इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो है ठीक है डिसक्वालिफिकेशन वाला जो केस है इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं लेकिन किस केस में नहीं लेंगे उस केस में नहीं लेंगे जब उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है क्या है उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है स्पीकर के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है मतलब जो उनकी अथॉरिटी है मतलब आप कहिए कि जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, अगर उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आप जो है वहां पर डिसीजन नहीं ले सकते डिस्कालीफिकेशन दि, दिस, के रिगार्डिंग This ruling gave a window to the defecting legislator to stall or circumvent the 10th schedule by seeking removal of the speaker. तो ये कह रहे हैं कि इससे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है लूप होल क्रिएट हो गया क्यों क्योंकि जो भी रिबेल ग्रुप है उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो जो स्पीकर है वो हमें डिसक्वालीफाई कर सकते हैं तो उस केस में क्या करेंगे ये लोग जैसे ही है ना ये लोग पहले क्या करेंगे नो no कॉन्फिडेंस के लिए स्पीकर के रिमूवल के लिए वो वहाँ पे मोशन रखेंगे और फिर यहाँ पे सिंस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है नाबिया रेबिया ये नबम रेबिया वाला जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आपके अगेंस्ट में डिस आ, नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग है तो आप डिस्कवालिफिकेशन पे डिसीजन नहीं दे सकते फाइन और इसके अंदर अगर हम स्पीकर के रिमूवल की चर्चा करें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी इसके रीजन को समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ये रूलिंग दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मतलब को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि रिमूवल जो होता है स्पीकर का वो क्या है अंडर द आर्टिकल 179 स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली क्या लिखा हुआ है जितने भी उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं असेंबली के उनकी मेजोरिटी से ठीक है 50 प्लस अगर उसके फेवर में है कि हटाना चाहिए तो हट जाएगा अब यहां ये जो वर्ड लिखा गया है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स उस समय के जो ऑल द देन मेंबर्स हैं इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिया क्योंकि अगर डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा तो मान लीजिए चालीस रिबेल्स हैं इनका अगर मान लीजिए पंद्रह को डिसक्वालीफाई कर दिया बीस को कर दिया तो वो लोग वोट नहीं कर सकते ना वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था वी हैव दैट रेबिया रूलिंग इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑल देन uh, ये जो मेंबर्स हैं असेंबली इसका मतलब है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ गिविंग द नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर मतलब जिस टाइम पे स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है उस टाइम पे उस हाउस के जो भी मेंबर्स हैं वो सब वहां पे वोट करेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया जैसे ही इन्होंने क्या दिया नोटिस दिया स्पीकर को हटाने का उसके बाद में इनको डिस्कालीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उस टाइम पे नोटिस देने के टाइम पे जो भी मेंबर है वो यहां पर यह मोशन में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस जब डेट इशू किया गया है मतलब जिस डेट पे नोटिस इशू किया गया है उसके बाद में कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते मतलब वो डिसक्वालिफ़िकेशन आपका अप्लाई नहीं होगा तो ये है और इसकी वजह से आप देखोगे हाँ ये क्या करते हैं डिफेक्शन वाला सेक्शन मतलब आ, जो फैक्शन है जो कि डिफेक्ट कर रहे हैं मतलब पार्टी दल बदल रहे हैं तो ये क्या करेंगे एक यहाँ पे स्पीकर वाले पे नो कॉन्फिडेंस लाएंगे 2016 में भी ऐसा हुआ और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है रीज़न क्या था रीज़न यही था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्पीकर को मेजोरिटी है मतलब स्पीकर अगर कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास मेजोरिटी है मुझे हट हटाया नहीं जा सकता तो फिर वो क्यों यहाँ पे मतलब आ, आ, फ्लोर टेस्ट से डरेंगे फ्लोर टेस्ट से उन्हें डरने की क्यों ज़रूरत है जब उनके पास में मेजोरिटी है नंबर्स हैं तो उनको फ्लोर टेस्ट से डरने डरने की जरूरत नहीं है और अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर उनको डिसीजन देने का डिसक्वालिफिकेशन पे डिसाइड करने का अधिकार नहीं है तो बहुत ही रीजनेबल डिसीज़न है ये रेबिया वाले केस के अंदर अंदर लेकिन इसकी वजह से आप देख रहे हो कि जो 10th जो जो शेड्यूल का, है, 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 एंटी डिफेक्शन लॉ दल कानून उसके अंदर एक और क्रिएट होता हुआ दिख रहा है दिस स्पीकर हुईज लेजिस्लेटर्स मस्ट एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली मतलब जो स्पीकर यहां पे डिसीजन देगा कि मेंबर एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कोई रह सकता है नहीं रह सकता है उसको कम से कम कॉन्फिडेंस तो एंजॉय करना चाहिए ना अगर वो कॉन्फिडेंस ही इन्जॉय नहीं कर रहा सो so, uh, वो कैपेसिटी जिसके अंदर वो डिसीजन लेगा वो उसके पास है नहीं क्लियर ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिए ये आपके मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये पूरा जो इशू है हालांकि न्यूज़ में चल रहा है लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये आपका बनता है रेबिया वाला केस भी याद रखिए 2016 का और ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं so for now we are wrapping up the session uh, this is all defection is followed by immediate floor test and no proceeding of the tenth schedule is case mein dono hi hain positive negative yahan pe point of view uh, इसके दोनों point of view यहाँ पे हैं कि uh, floor test यहाँ पे अगर decide हो रहा है तो uh, ये कह रहे हैं कि जो defecting ML है, mle हैं वो यहाँ पे part नहीं होने चाहिए खैर वो एक अलग चीज़ Uh, देखिए सवा नौ बज चुके हैं ऑलमोस्ट और वी विल बी हैविंग ए स्पेशल क्लास वी हैव दिस वन मोर आर्टिकल आई विल ट्राई टू रैप अप दिस इन अ शॉर्ट टाइम इंटरनेशनल रिलेशन पर आर्टिकल है जी सेवन के ऊपर और जी सेवन के ऊपर इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया यहाँ पे अपने जो फॉरेन पॉलिसी uh, है उसके इंटरेस्ट और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के इंटरेस्ट को हाईलाइट कर सकता है ना आगे बढ़ा सकता है वहाँ पर तो जी सेवन का पूरा फोकस रहा यूक्रेन वाले इशू पर तो उन्होंने कहा यूक्रेन को हम हर तरह का सपोर्ट देंगे और कुल मिला के यहाँ पर जो चीज़ हमें देखने को मिली है जी सेवन में जो देश हैं यहाँ पे जो चीज़ देखने में सामने आई वो ये पता लगा रहे हैं मतलब उससे ये पता लगता है कि जो रशिया यूक्रेन वार वाला इशू है ये और कॉम्प्लेक्स होगा क्यों होगा एक तो जी सेवन कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हम हर तरह का सपोर्ट देंगे मिलिट्री हो डिप्लोमेटिक हो फाइनेंशियल हो यूक्रेन को जितनी मदद की जा सकती है करेंगे है ना रशिया के अगेंस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा इशू जो दिक्कत वाला है वो ये है कि नेटो ये कह रहा है कि हम अपना जो आ, आ, ये है डिप्लॉयमेंट्स हैं ये रशियन बॉर्डर्स के और क्लोज आ जाएंगे नेटो और क्लोज आ जाएगा रशियन बॉर्डर्स के और ये जो रैपिड एक्शन इनकी फोर्स है है ना रैपिड रिएक्शन जो फोर्स है इसकी चालीस हजार से स्ट्रेंथ बढ़ा के तीन लाख कर रहे हैं रैपिड रिएक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ चालीस हजार से बढ़ा के तीन लाख कर रहे हैं और जो फोर्सेज है उसका डिप्लॉयमेंट आपके और क्लोज आ जाएगा है ना इंटरनेशनल बॉर्डर रशियन इंटरनेशनल बॉर्डर के और क्लोज आ जाएगा तो यही तो मेजर इशू था वॉर इसीलिए तो चल रहा था रशिया नहीं चाहता था नेटो हमारे पास है हमारे को सिक्योरिटी को थ्रीट रहे तो अब ये लड़ाई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप लेता हुआ दिख रहा है फर्स्ट एक तो ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से सेकेंड है कि इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी सेवन वाला जो इस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने मल्टी लेटरल वे में भी डिस्कस किया और बायोलेटरल मीटिंग्स भी काफी सारी हुई हैं और हमने देखा कैसे जो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं उनका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है सो so, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को और देखा जाए इट इज इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द दिनडिनाइबल ट्रूथ दैट नो ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सीरियसली टेकल विदाउट इंडिया इंडिया यहां पे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकता है ग्लोबल लेवल पे कि कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसमें हमारी uh, सहमति हो मतलब हम हमेशा से क्या है रूल बना कोई और रहा है फॉलो हम कर रहे हैं बट नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी शुड बी द पार्ट ऑफ दिस रूल मेकिंग प्लेटफॉर्म जो रूल बना रहे हैं उसका हम पार्ट होने चाहिए इंडिया वहां पे इंडिया की बात रखी जानी चाहिए ये चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले कुछ सालों में और चाइना की भी बात की गई कि चाइना भी ह्यूमन राइट right के इशूज हैं ये सब गलत कर रहा है, है ना साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करना ये सब गलत है सो so, और इंडिया ने दो यहाँ पे अपने ये साइन किए हैं अगर आप देखेंगे एक तो रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट साइन किया है और एक है एसिलेटिंग क्लीन एंड ट्रांजिशन टर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी ये दो साइन की है तो uh, इसके अंदर यही है कि एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर डेमोक्रेटिक uh, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम प्रमोट करें जो इंटरनेशनल रूल्स लॉ ये सब फॉलो करें सेकेंड पे है एनर्जी ट्रांजिशन को इंडिया यहाँ पे कर रहा है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं है स्थिति को बिगाड़ने के अंदर मतलब हमने कोई रोल प्ले नहीं किया है लेकिन हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं सो वी आर रेपिंग अप दिस सेशन दिस इज ऑल पी सेशन का यहाँ पे आपको मिलेगा और अभी सवा नौ बजे क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी मॉर्निंग वाली जो इकोनॉमी की क्लास थी आज नहीं हो पाई थी इंटरनेट शटडाउन के इश्यूज चल रहे थे तो वो अभी आपकी रात को दस बजे आ जाएगी यूट्यूब पे इसी चैनल पे रहेगी लिंक आपको दिख रहा होगा इसी चैनल पे जाके आप कमिंग सेशन में देख सकते हैं आई विल भी शेयरिंग द लिंक हियर एज वेल इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जी और सभी ऑप्शनल का एक्सेस आपको मिलता है जो कॉम्बो की फीस है ये आइकॉनिक कॉम्बो की फीस है केवल जीएस की फीस यहाँ पे है और ये आइकॉनिक की फीस मेंशन है आइकॉनिक के काफ़ी सारे बेनिफिट है लाइव मेंटरशिप का बेनिफिट मिल जाता है ये 29 जून से नए बैचेस तो स्टार्ट हो रहे हैं ये केवल ऑप्शनल की फीस है और काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाते हैं ठीक है और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन है इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन का लिंक पिन है जब आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह के प्लान्स ओपन होते हैं अपना प्लान चूज कीजिए एंड फूड दिस कोड आर बी लाइव टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंडलाइज गाइडेंस दिस इज वेरी वेरी नेसेसरीप्शन इसके अलावा डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी टीम है जीरो परसेंट ई एम आई का ऑप्शन है और हर संडे आपका फ्री कॉम्बैट मेगा कॉम्बैट आपको मिलता है सो दिस इज ऑल आर्टिकुलेट मैगजीन से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं जो ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है ऑल द वेरी बेस्ट्रेट डोंट फोर गेट टू लाइक दिस सेशन हेयर दिस सेशन एंड Uh, subscribe to the Let's Crack UPSC CSC to get UPSC related quality content.